मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन आज राजधानी पटना में जमकर बारिश हो रही है। उमस भरी गर्मी के बाद आज पटना में बारिश हुई है, जिसके बाद बता दें आपको कि विधानसभा का परिसर एक बार फिर से डूबने लगा है। इस वक्त हम विधानसभा के परिसर में हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि बस चंद मिनट कह सकते हैं उसको, क्योंकि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ बारिश का, और फिर विधानसभा का जो परिसर है वो किस तरह से अब पानी से भर गया है वो देखिए। लगातार जो है बारिश हो रही है पटना में, और मानसून सत्र चल रहा था विधानसभा के परिसर में। तमाम माननीय बैठे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, अब विधानसभा के अंदर जो तमाम विधानसभा के वो परिसर हैं वो पूरी तरह से डूबने लगे हैं। अभी और बारिश होगी क्योंकि मौसम आज पटना का काफ़ी सुहाना बना हुआ है, और इसको देखते हुए आज जब बारिश हो रही है तो विधानसभा का पूरा परिसर जो है वो अब डूबने लगा है। क्योंकि बता दें आपको, इसके पहले भी जब बारिश हुई थी तो तस्वीरें निकल के आई थी यहाँ से, जब पूरी तरह से विधानसभा का ये परिसर डूब गया था। और सवाल ये है कि क्या बार बार बारिश होने के बाद जब विधानसभा का परिसर डूबता है, पानी लगता है यहाँ, तो फिर इस पे नगर निगम की तरफ से क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये देखिए किस तरह से, जब तमाम इस वक्त माननीय अंदर बैठे हुए हैं और मानसून सत्र चल रहा है, आपको पता है आज तीसरा दिन है, विपक्ष की पार्टियों ने बायकॉट किया था, लेकिन उसके बाद आज बैठक हुई विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उस बैठक को मंजूरी दी, जिसके बाद तमाम वो विपक्ष के जो नेता थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तमाम जो विपक्षी दल थे वो आज इस बैठक में शामिल हैं, और बैठक अंदर चल रही है लेकिन बाहर जमकर बारिश हो रही है, जिसके बाद विधानसभा का वो सीधे जो परिसर है वो पूरी तरह से डूब गया है। और अब धीरे धीरे जो बारिश की पानी है वो अब देखिए किस तरह से जो है बारिश का पानी पूरी तरह से लग गया है अंदर, और बारिश तेज हो रही है, और संभावनाएं ऐसी लग रही है कि अभी और घंटों भर बारिश होगी, क्योंकि जितनी भी क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, और पटना में जितनी गर्मी थी उसके बाद आज पटना के लोगों को काफ़ी आराम मिला है। और उसके बाद आज जब बारिश हुई तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पटना में जो विधानसभा का जो परिसर है वो पूरी तरह से डूब गया है। अभी बारिश हो रही है, उसके बावजूद जो तमाम बैठकें चल रही थी आज अंदर, नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा मानसून सत्र में आज एक बैठक कर रहे हैं, चूँकि विधायकों की पिटाई का मामला है और तेजस्वी यादव की पार्टी सहित विपक्ष दलों की पार्टी जो है बायकॉट किया है, लेकिन उसके बाद जब आज बैठक चल रही है तो बाहर पानी से अंदर माननीय बैठे हुए हैं और बाहर विधानसभा का परिसर पूरी तरह से डूब गया है। इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं आपको।